जी सोफिया, शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम सब बहनों को। वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या हाल है सबके? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चले हम थोड़ा सा पीछे से प्रैक्टिस कर लेते हैं जब तक बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। जी कुछ पढ़ाई किया आप लोगों ने? कुछ देखा हाँ जी, देखा छुट्टियों? था, रिपीट किया एक बार सारा। ओके माशाल्लाह वेरी गुड। चलें जी फिर हम देखते हैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं वैसे पीछे से ही हाँ फिर जी आप। ठीक है इंशाल्लाह। चलें चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। रब्बि शरहली सदरी व यस्सरली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अच्छा जी चले हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। आपको सबको स्क्रीन मैं शेयर करती हूँ। नई वाली स्क्रीन। ओके पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? संदूक, संदूक कुन, संदूक कन विथ अलिफ, या वेरी गुड। संदूक किन। शाबाश। ठीक है जी। अच्छा आप में से कोई लिखेगा इसको साथ में या सिर्फ पढ़ना है? अभी क्या है आप लोगों का पेपर पेंसिल है आप लोगों के पास? जी, साथ में लिख रहे हैं आपा। लिख रहे हैं जी। वेरी गुड। क्योंकि देखिए आई नो अब आप लोगों का ये रफा नसब जर आता है लेकिन लिखना क्यों जरूरी है? ताकि हमें अरबी में लिखना आए। सादी आप करो। जी, दीवा जी, ये पहले में चिता उन शाबाश। और शिता इन नहीं सॉरी हालत चिता नसब अन में। सॉरी चिता अन अब इसमें अलिफ जी आएगा? नहीं है, अलिफ नहीं आएगा क्योंकि हमजा है। जी हमजा से पहले अलिफ है। ठीक है खाली हमजा से पहले अलिफ है, हमने। सॉरी। जी, उसके बाद चिता चिता, इसमें चिता इन आएगा। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ लेते जो शाबाश। रजिया आपका भी शाबाश और सादी आपके लिए भी शाबाश। अगर मैं भूल जाऊं तो माजरत। ठीक है चलें जी। उसके बाद आ जाए जूम। जूम यूजर जी। जी थर्ड ये गैर मुनसरिफ है लिखा हुआ जी है, तो जी मुआविया तू होगा, शाबाश। हाँ मुआविया ता और मुआविया शाबाश ता। शाबाश। हालत जर में जेर कबूल नहीं कबूल करता नहीं गैर करता, मुनसरिफ। बिल्कुल हाँ जी एक्सेप्शंस हैं ठीक है लेकिन हम वो बाद जी। में देखेंगे इंशाल्लाह जी। उसके बाद जी आ जाए शहनाज। जी शहनाज जजाकल्लाह खैर। उज़्नुन जी जी कान को रफा के कहते हैं। हाले में। हाँ जी, हाँ जी। उज़्नुन उज़्नन उज़्निन, नून के साथ अलिफ आता शाबाश वेरी नसब गुड। में। जी जी शाबाश। अच्छा जजाकल्लाह खैर। और इसके बाद अब इसहाक। इसहाक जी फरहाना आप करें। इसहाकू और फिर आगे इसहाका इसहाका। जी गैर मुनसरिफ है। ठीक जी है शाबाश। अच्छा ये जो अलिफ लिखा है ना इसहाक तो इस अलिफ के बगैर भी मतलब लिख सकते हो। खड़ा अलिफ के साथ भी आप इसको लिखोगे जैसे मुसफ में है कुरान में है आपके मुसफ में तो इसको खोल के भी आप अलिफ को लिख सकते हैं। दोनों तरह ठीक है। ओके जी गैर कि मुनसरिफ अलिफ गायब हो जाएगा और हा और काफ मिल जाएगा और हा के ऊपर खड़ी जबर आ जाएगी। जी खड़ी जबर आ जाती है। हाँ ठीक है जी मुसफ सही। में उस तरह लिखा हुआ तो दोनों तरह आप अरबी में आम अरबी में भी दोनों तरह लिख सकते हो। ठीक है एक तो होता है ना कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सिर्फ मुसफ में लिखे जाते हैं आम अरबी में उस तरह नहीं लिखे जाते। लेकिन ये वाला जो अलिफ है इसको आप जाहिर पूरा करके लिख सकते हो खोल के लिख सकते हो और इसको खड़ा अलिफ करके भी आप लिख सकते हो। दोनों तरह लिखा जाता है अरबी में आम अरबी में। जी उसके बाद जी हार इसका है गरम। गरम को कहते हैं हार हारून जी। जी हारून। जी
जी हारून हारान हारिन जी शाबाश अलफ लग गई था हारान जी शाबाश वेरी गुड चलें जी अब आगे आ जाए अल्लादी अल्लादी जी नसीरा आप चले आप बताइए पानी पी लिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह जी जी ये सेम रहेगा अल्लाजी अल्लाजी मबनी है ये शाबाश वेरी गुड तीनों हालतों में एक जैसा ही हमें मिलेगा मतलब हालत रफा हो नसब हो जलो जी बशर चले अब चलो फिर से हम यहीं से ऊपर से शुरू कर लेते हैं अब्दुल नहीं ये तो हो गया रजिया रजिया आप कर रहे हैं चले जी बशरुन जी जी बशरन विथ अलिफ बशरिन शाबाश वेरी गुड जी चलें अब इसके बाद सलमा चलें जूम यूजर आप चलो आप बताओ सलमा ये गैर मुनसरिफ है और ये सलमू बनेगा और फिर सलमा और सलमा अच्छा एक चीज देखें कि ये अलिफ मकसूरा वाले जितने हैं ना वो वैसे ही रहते हैं अलिफ मकसूरा है ना इस पे हाँ जी अलिफ मकसूरा ठीक है तो अलिफ ये सलमा भी आनेगा तीनों हालतों में वैसे ही रहेंगे है गैर मुनसरिफ जी अच्छा आप ओके देखना मीम पे सिर्फ एक जबर लाई है हाँ तो या के पास कुछ नहीं तो ये भी आपने निशानी हाँ ये या हाँ, नहीं है डॉटलेस या डॉट्स नहीं डाले हुए डॉटलेस हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये अलिफ मकसूरा है अलिफ मकसूरा या के अलिफ मकसूरा तो अलिफ मकसूरा पे जो अस्मा एंड होते हैं वो तीनों हालतों में एक जैसे दिखे यानी कि सलमा 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 शाबाश ठीक है क्योंकि इन इन अलिफ पे कोई कुछ होता नहीं ना खाली होता है तो अलिफ मकसूरा क्या है शॉर्ट अलिफ इसकी आवाज क्या है इसकी आवाज क्या है अलिफ की आवाज है अलिफ मकसूरा की हाँ जी ठीक है आप पढ़ो सलमा सलमा दो हरकत पढ़ेंगे ना अलिफ मकसूरा लंबा हो जाता है थोड़ा सा तो दो हरकत आ जाती है ना अलिफ हाँ जी जी अच्छा उसके बाद जी जी बहन जी मैं बताती हूँ सादिया जी सादिया चले बताइए मकसूर मकसूरुन मकसूरुन मकसूरन अलिफ के साथ शाबाश और मकसूरिन शाबाश वेरी गुड चलें जी अच्छा अब जालिका कौन बताएगा मैं बताती हूँ जी ओके चलें बताइए कौन है नाम बताइए अपना आमना आमना चलें जी आमना आप बताइए जालिकुन ना नहीं जालिका जालिका और जालिका क्योंकि मबनी है ये मैंने लिखा हुआ ना मीम मीम मतलब मबनी तीनों हालतों में एक जैसा हाँ बाय द वे मेरी बेटी बड़ी बेटी का नाम भी आमना है चले ओके जजाकला खैर ओके नजीफ नजीफ मतलब साफ सुथरा साफ मैं बताऊं हां जी मैं बताऊं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम नाम बताइए नजीफुन नजीफुन नजीफन नजीफिन शाबाश ओके अब मुझे बताइए हालत नसब में अलिफ ऐड होगा कि नहीं होगा हालत नसब में होगा अलिफ जी वेरी गुड शाबाश चलें जी उसके बाद अभी और किसी ने हाथ रेज किया हुआ है चलें ओ मोहम्मद नजीफुन नहीं नजीफुन सॉरी किसानुन किसानन अलिफ आएगा हसान जी हाँ जी ये आपका क्या है घोड़ा जी घोड़े को कहते हैं हसान शाबाश हो गया हमारा रिवीजन इसकी एराब की चलें अब एक और आगे कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे इंशाल्लाह चलेंगे सही एराब और जिंस को टिक करना आपने चलें जी सुफियान आपने इसमें से देखें यहाँ पे देखा है सुफियान अब मुझे सबसे पहले आपने ये देखना है मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है पहले वो चीज देखनी है अब मैंने यहाँ लिखे नहीं है आप लोगों ने खुद बताना देखती हूँ कितना आप लोगों को समझ आया बताइए मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ ये मुनसरिफ है मुनसरिफ पे क्या आना चाहिए मुनसरिफ की पहचान कैसे पहचानते हो हाँ तो इसमें तनवीन है नहीं है नहीं है तो क्या मतलब हुआ गैर मुनसरिफ है ठीक है तनवीन नहीं नजर आई तो आप क्या कहोगे ये गैर मुनसरिफ है अभी जो हम पढ़े हम उसके हिसाब से बात करें आप कोई और अरबी की बुक्स खोलोगे आप मुसफ देखोगे तो उसमें आपको
اس پہ نہیں آپ نے یہ بھی رول اپلائی کرنا کہ نہیں لکھا ہوا تو بس منصرف غیر منصرف نو ٹھیک ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں ابھی اسی بس اسی کو آپ دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ ریزنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں منصرف اسما سے تنوین ہٹنے کے ٹھیک ہے ابھی ہم لیول ون میں ہے نا تو بھی ان شاء اللہ آہستہ آہستہ آپ سیکھو گے چلیں اوکے سفیان جو ہے غیر منصرف ہے تو کون سی حالت ہوگی ہے آپ نے حالت نہیں نہیں آپ نے حالت پہچانی یہاں پہ میں نے دی ہوئی ہے نا اعراب جی یہ حالت نصب ہے اور جر بھی دونوں ہو سکتی ہے ویری گڈ ٹھیک ہے حالت نصب اور جر دونوں اب مذکر ہے مونس مذکر ہے کیونکہ میل نام ہے شاباش ویری گڈ اچھا اب اس میں آپ بتا سکتے ہو کیا وجہ ہوگی اس کا غیر منصرف ہونے کا کیا وجہ کوئی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے دیکھا ہے نا اس میں جی الف اور نون ہاں الف نون کون سا زائد الف نون خالی نہیں آپ نے زائد کہنا ہے جی ٹھیک ہے الف نون زائد ہے اچھا اگلا والا بھی آپ ہی کرو چلو آپ بتاؤ پیاسے کو کہتے ہیں پیاسے کو کہتے ہیں شاباش جی اب یہ کون سی حالت ہے یہ پر تھوڑا نظر نہیں آ رہا مجھے میں بڑا کرتی ہوں یہ بھی حالت نصب اور جر دونوں میں شاباش ویری گڈ اب پتہ ہے مذکر ہے مونس اتشانہ پیاسے کو کہتے ہیں تو مذکر مونس دونوں ہو سکتے نہیں اتشانہ مذکر ہو گیا اتشانہ ہاں اگر گولتا لگائیں گے تو مونس ہوگی دیکھیں آپ نے ایسے نہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو چارٹ ایک بنایا ہوا نا حقیقی مونس عورتوں کے نام آپ نے اس کو لے کے چلنا اس میں دیکھیں آپ کو حقیقی مونس میں کہیں ہے یہ نہیں ہے اس میں سے نکل گیا اب پھر اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے غیر حقیقی میں علامتی مونس کو علامت ہے یہاں پہ نہیں ہے پھر اس کے بعد جو سمعی مونس میں کہیں آتا ہے وہ سٹوری میں کہیں آتا ہے کہیں اس گروپ میں آتا ہے اس میں سمعی مونس نہیں آتا ہم نے مونس دیکھنا ایسے ٹھیک ہے تو ہمارا رزلٹ کیا نکلا یہ مذکر ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب اگلا تھرڈ والا بھی آپ ہی کرو چلو اچھا یہ پھر ہوگا عطش یہ ہوگا مبنی نہیں مبنی نہیں ہے الف مقصود ہے ان پہ آ رہا ہے نا تو یہ مبنی نہیں ہے منصرف غیر منصرف یہ ہاں جی نصب اور جر میں جو سیم رہے گا بلکہ تینوں حالتوں میں الف مقصودہ پہ اینڈ ہو رہا ہے نا جی جی ٹھیک ہے تو تینوں حالتوں میں ایک کے ساتھ دیکھے گا مبنی نہیں ہے لیکن مبنی کی طرح ایکٹ کرتا ہے جی جی ایکٹ کیا کرتا ہے مبنی کی طرح تینوں کیا مطلب ہوا کہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا دیکھے گا جی اچھا اب مذکر ہے مونس ہے یہ مونس ہوگا کیسے پتا چلا غیر حقیقی میں یہ آئے گا اور الف مقصورہ جی الف مقصورہ غیر وہ اسم کون سا ہو غیر منصرف ہو تو یہ غیر منصرف ہے نا اچھا غیر منصرف ہے آپ دیکھو شین پہ صبر دیکھ رہے ایک بس ٹھیک ہے اور زائد ہے یہ الف مقصود زائد ہے تو اب کیا ہو گیا آپ نے مذکر پڑھ لیا کیا ہے مذکر پیاسا اتشان جی اور مونس کیا ہو گیا اتشا جی آپ یہ دیکھیں اتشان غیر منصرف ہے جو غیر منصرف ہے اس کی مونس کیا آئے گی اتشا ٹھیک ہے غیر منصرف اتشان اس کی مونس کیا آئے گی اتشا یہ انشاءاللہ یہ وکیبلری ہے آپ کو یاد کرنے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے کب چاہیے ہوں گے یہ الفاظ جب ہم جملے بنائیں گے لیکن اتشا کا مطلب ہی پیاس ہی ہے پیاسا پیاسا مذکر یہ مذکر کے لیے ہاں اب پیاسی ٹھیک ہے پیاسا پیاسی پیاسی آگے فورتھ والے پہ چلتے ہیں منڈیل منڈیل کہتے ہیں ہینکرچیف کو رومال کو جی میں ٹرائی کروں
जी नाम बताइए आप प्लीज। मसरत, मसरत शेख। मसरत जी, मसरत बताइए। मंदील, हाँ जी, कौन सी हालत में लिखा हुआ यहाँ पे? तन्वीन पे एंड हो रहा है तो ये मुनसरिफ होगा। जी जी जी। और मुनसरिफ जी, हालत कौन सी है यहाँ पे? हालत इसकी नसब। क्या वर्ड क्या लिखा है आप, वर्ड पढ़ो। मंदीलिन जी, मंदीलिन। नहीं 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 नहीं, जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है ना, बस वो पढ़ो और उसका आपने इराब बताना है। हालत ये मंदीलिन है और ये हालत जर है। ये बाजी, शाबाश, हालत जर है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, अब ये मुजक्कर है या मुअन्नस? ये मोनस के लिए हम देखेंगे कौन से ग्रुप में आती है। ग्रुप वन में नहीं है, ग्रुप टू में भी नहीं है, औरतों की जीन्स में नहीं है, नामों में नहीं है, और इस पे अलामत भी नहीं है, गोलता नहीं है, अलिफ मकसूरा नहीं है, शाबाश। स्टोरी के वर्ड्स याद नहीं है मुझे, आई एम सो सॉरी, बट आप लोग ऐसा करें, वो जो मोनस का चार्ट है ना, वो आप लोग निकाल के सामने रखें। अगर आप लोग वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं या खुद बना सकते हैं, उसको आप रखें, क्योंकि जब भी हम मुजक्कर मोनस करेंगे हमने वो देखना है। ठीक है, इसका मोनस, इसका मोनस क्या है? ये तो वर्ड ही मुजक्कर है ना, इसका मोनस आप देखो ना, रुमाल, रुमाली तो नहीं हम कहेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो, जैसे घर है आपका, घर ही तो नहीं कहेंगे ना, तो कुछ वर्ड्स हैं जो मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं या मुअन्नस होते हैं, उन जिन्स का उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, उनकी कोई जिन्स नहीं होती। अरबी में वो अल्फाज या तो मुजक्कर इस्तेमाल होंगे या मुअन्नस। ठीक है, जैसे हमारे देख लें कुलसी, इसका हम इस्तेमाल है मुजक्कर या मुअन्नस, जिन्स तो उसकी कोई नहीं है ना। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? आई नो शुरू में मेरे साथ भी यही होता था, समझ नहीं आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, बहुत से वर्ड ऐसे हैं, कुछ नहीं, बहुत से वर्ड्स हैं जिनका जिन्स जिन्स नहीं होती, इस्तेमाल उनका कैसे होता है हमने वो देखना है। चीजों में आ जाते हैं ना जी, जी रुमाल ना, जी जी बिल्कुल। अच्छा, मक्का, मक्का बताइए। मैं बताऊंगा जी, सादिया। जी सादिया बताइए। हाँ, ये गैर मुनसरिफ है, शाबाश। और ये जो है, ये हालत इसकी नसब या जर दोनों में से कोई एक हो सकती है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, ओके, और ये मुअन्नस है, मुअन्नस है, वेरी गुड। आपने कैसे डिसाइड किया, कैसे बताया आपने? क्योंकि आपने जो बताया था कि जो मुल्कों के शहरों के नाम हमारी मुअन्नस में आते हैं। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वैसे भी उम्मुल कुरा कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, गैर मुनसरिफ क्यों है ये, आप बताओ जी। बाजी, इसमें असल ये इसकी जो जबर है ताय के ऊपर, इससे मुझे पता चला कि ये गार हूँ। नहीं, ठीक है, हाँ, लेकिन वो जो हमने ग्रुप्स, मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, ग्रुप्स बताए थे, वो असल सॉरी बाजी, वो क्लास में मिस हो गई थी मुझसे, मैं वो क्लास नहीं ली। मुल्कों और शहरों के नाम, हाँ जी, ठीक है, वो आप, वो आप वो नोट्स अपने लिख लो, या जो YouTube पे अपना चेक करो, वीडियोस हैं तो उसमें से आप लिखें। ठीक है, ऐसी तरह पूछती जाऊंगी और इसी तरह याद होगा। ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ। आप बताइए, आपने असा लाठी को कहते हैं, और ये कौन सी हालत है? असाअन नहीं, असाउन नहीं, अच्छा ये है वो नस्ब, ये नस्ब है ये एक्चुअली। हाँ जी, ये मैंने इसीलिए दिया था कि ये तीनों हालतों में एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, अलफ पे एंड हो रहा है, लेकिन ये अलफ इसकी जायद नहीं है, अलफ जायद नहीं है। ठीक है जी, तो वो जो होता है ना हालत नसब में हम करते हैं,
उसमें अलिफ और हमजा दोनों आते हैं, अलिफ ज़ाय नहीं नहीं वो ये जैसे ये हाद हाद यहाँ पे देख रहे हादन, हाँ जी ये अलिफ ज़ायद होती है। हाँ, मैंने इसीलिए आप लोगों को ये बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये अलिफ ज़ायद नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों हालतों में ऐसे ही रहेगा, असन 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 असा वैसे कहते हैं लेकिन असन दो जबर के साथ असन असन असन। और ये हमने पढ़ा है ना, कहाँ पे पढ़ा ये अभी बताइए, मुजक्कर है मोनस जी, स्टोरी में पढ़ा था स्टोरी में जी। तो ये क्या मुजक्कर है मोनस है, ये मोनस जी, ठीक है। तो अभी आपने वहां पे अपना कर लेना, तीनों हालतों में सेम रहेगा, मबनी नहीं है लेकिन मबनी की तरह इस्तेमाल होता है। चले सदत आप बताओ जी, सेवंथ वाला फुलवुल, हाँ जी मीठे को कहते हैं स्वीट, हाँ जी मीठे को, कौन सी हालत है ये, क्या कहते हैं पेश है तो ये मरफू है रफा, हाँ जी ठीक है जी। और मुंसरिफ है, शाबाश, मुज़क्कर है मोनस, खुलू ये मुज़क्कर, मुज़क्कर हमने पूरे चार्ट में से घुमा के देखा कहीं हमें कहीं पूरा फिट नहीं हो रहा, तो हमने क्या कहा ये मुज़क्कर है समय, शाबाश है। ओके जहीमन कौन सी हालत है, इसका गैर मुंसरिफ है क्योंकि अलिफ है इसमें, नहीं नहीं देखें नहीं, ये अलिफ जायद जी, अलिफ जायद है, अलिफ जायद हाँ है, दो जबर, हाँ दो जबर आ रहे जी, हाँ जी। तो ये बनेगा नस्ब, हालत नस्ब जी, अलिफ जायद जहीम होता है ना वर्ड, जहीम हाँ वर्ड है, ठीक है हाँ जी। तो मुंसरिफ इसम है और ये अलिफ जायद है, अलिफ जायद है जी, अलिफ जायद है वो वाला है जो हालत नस्ब में एड होता जी। ओके अब ये मुज़क्कर है मोनस, जहीम जहन्नुम वाली चीज जी, तो जी, जी 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 हाँ, तो इसका मतलब है हाँ, जी, तो ये फिर मोनस होगा जी। यास्मीन आपने उठाया हुआ जी, चलें यास्मीन आप बताइए, लजीजन नसब हालत में है, शाबाश, और ये अलिफ ज़ायद है हालत नसब वाला ठीक है। और मुज़क्कर है मोनस, ये अलिफ ज़ायद है उस्ताज़ा जी, जी अलिफ ज़ायद है ना, हालत नसब में जो आए लजीज होता है ना वर्ड, लजीज है कैसे, नहीं हमारे कौन से हैं, नहीं नहीं मुज़क्कर है, मुज़क्कर है कहीं पे हमें, मुज़क्कर है मुज़क्कर क्योंकि मोनस तीनों की पहचान नहीं है ना, हमें मोनस के चार्ट में कहीं ये नहीं मिला। अच्छा चले उसके बाद टेंथ वाला क्या है, सादिया आप बताइए जी, जी ये गैर मुंसरिफ है और ये हालत नसब या जर्म दोनों में से कोई एक हालत है, इसमें क्या आप देखें इसमें क्या इराब क्या है, वो सॉरी सॉरी रफा रफा है, शाबाश वेरी गुड, बोलने में गलती कर गई, इट्स ओके इट्स ओके जी। मुज़क्कर है मोनस, मुज़क्कर है क्योंकि मोनस जो वो हैं उनमें मुझे कहीं नहीं मिला, शाबाश वेरी गुड जी। अच्छा अभी आप ही बताओ सादिया, आपने बताया ना जी जी जी, चलो इलेवेंथ वाला भी आप बताओ, ये जो है ये भी गैर मुंसरिफ, अच्छा आप वर्ड पढ़ो, टेंथ वाला वर्ड पढ़ो, इलेवेंथ वाला वर्ड पढ़ो, क्या है आप यदू और यदू बैदा जी, बैदा जी ये है व्हाइट कलर को कहते हैं, ठीक है दोनों व्हाइट कलर जी। अच्छा अब मुझे बताइए अब ये कौन सी हालत है, बैदा ये भी रफा ही है जी, हालत रफा वेरी गुड। अच्छा अब ये मुज़क्कर है या मोनस है, ये अलिफ ममदूदा है तो ये मोनस, शाबाश वेरी गुड। अब देखिए अब ये देखें अबियत क्या है आपका, मुज़क्कर मोनस व्हाइट कलर, ठीक है ये मोनस, मोनस जो है उसके लिए यूज होगा व्हाइट कलर, चले ओके। अच्छा फातिमा जी, गुरफा आपने बताना था बताइए, गुरफा मीन हाउस घर है ना, ना 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 गुरफा का होता है कमरा, रूम हाँ कमरे को कहते हैं कमरा, हाँ कमरे को गुरफा, हाँ कमरे को ठीक है ओके। अब आप मुझे हालत बताओ इसकी, रफा है नसब है ज्यादा क्या है,
ये मुजक्कर की लाइन में आएगा. नो 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 मैं हालत पूछ रही हूँ, पूछ रही हूँ हालत रफा है नसब है जारी, यानी कि अगर आपने पढ़ा मरफू मंसूब मजरूर क्या पढ़ा आपने, क्या हुआ इसके लिए? मुझे नहीं इन चीजों का पता, जस्ट मुझे थोड़े से वर्ड का पता था. आप जिन्स बता रहे थे, जिन्स बता रहे थे. आप जिन्स बता दो इसकी. कमरा मुज़क्कर में आएगा. अच्छा ठीक है ओके, अभी आप वेट करो फातिमा, अभी आप सुनना. नसीम आप हालत प्लीज बताइए इसकी, क्या हालत है? जरी हालत. ठीक है ओके शाबाश ओके. उसके बाद मुज़क्कर है मौना सर, मौना सर शाबाश. अच्छा चले अब आप मुझे बताइए हालत जर क्यों है इसकी. फातिमा आप ध्यान से सुनना आप जी, हालत जर ये इसका ये ना ताई मरबूता है. नहीं नहीं हालत जर आप कह रहे हो, जरी हालत क्यों है इसकी? वो यानि कसरा लगाना कि कसरा आपको यहाँ कसरतैन है, कसरा दिख रही है आपको, तो ये हालत जर बता रही है. ठीक है अच्छा उसके बाद मैं कैसे पहचान कर, एक्सक्यूज मी मैं कैसे मैडम पहचान करूंगी? अच्छा, अब आपने एक काम करना है, आपने वीडियोस पिछली देखनी है शुरू से, जब क्लास वन क्लास टू सारी, ठीक है आपने वो चेक करना है. ठीक है सारी वीडियोस देखिए आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. जजाकल्लाह खैर नसीम. चले अब बुशरा है कोई यहाँ पे? चले जी बुशरा है, बुशरा जी 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 ये यूजर वाली बुशरा ही है. अच्छा हाँ जी जी चले बुशरा आप बताइए ये कौन सी हालत है. बुशरा ये तीनों एक ही हालत में होता है. शाबाश बुशरा, क्या मबनी है बुशरा? क्या ये मबनी है? ये मबनी है लेकिन ये या की वजह से मबनी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो या है अलिफ मकसूरा मबनी नहीं है. ये या लगी है ना अलिफ मकसूरा, इसकी वजह से ये मकसूरा पे एंड हो रही है. हाँ मबनी नहीं है लेकिन मबनी की तरह जैसा लगता है जी. बुशरा का मतलब खुशखबरी ले लो या नाम ले लो. ठीक है नाम जी, नाम भी ले लो. ये मोनस होना चाहिए, मोनस ही होगा बिल्कुल. अगर आप खुशखबरी भी लेते हो तब भी ये मोनस, तभी ये मोनस. नाम लेते हो तब भी ये मोनस. अच्छा खफीफ, जजाकल्लाह खैर बुशरा. अच्छा खफीफ ओके ओके ओके. खफीफ कौन बताएगा जी? एक बंदा चाहिए, कौन बताएगा जी? बाजी मैं सादिया जी. चलें चाहिए हाँ जी बताइए. इसमें मुझे अब ये नजर नहीं आ रहा कि ये तनवीन है इसमें. खफीफ जी ये तनवीन है जी जी जी. ये तो ये जो है वो मुंसरिफ है और है? और हाल? ये हालत उसमें तो बाजी अलिफ आता है, इसमें अलिफ नहीं है. नहीं 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 इस पे दम्मा है ना, दम्मा तैन. ठीक है मतलब पेश है. अच्छा दम्मा तैन मैं मुझे वो असल बारीक है तो मुझे पता नहीं चल रहा कि. अच्छा आप अपने मोबाइल पे अगर हैं तो उसको जूम करें, मोबाइल को स्क्रीन को जूम करें. मैंने जूम किया लेकिन वो और जूम ये दो पेश है तो ये मरफू होना चाहिए. पेश है तो फिर ये हालत रफा है. शाबाश मुज़क्कर है मोनस है? ये मुज़क्कर है. मुज़क्कर है, मुज़क्कर है. हमने पूरे उसमें चार्ट में देखा, हमें कहीं मोनस नहीं मिला, हमने इसको मुज़क्कर कह दिया जी. अब अगला वाला कौन बताएगा जल्दी से, कम ऑन हमने आगे भी पढ़ना है. मैं कर दूं मसर्रत जी? चलो है? ये हालत नसब है. हालत नसब है. अब अलिफ क्यों नहीं ऐड हुआ? मुनसरिफ अलिफ क्यों नहीं ऐड हुआ? अलिफ क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि गोल ता के पहले. शाबाश वेरी गुड ओके. मुज़क्कर है मोनस है? मोनस ये तकील दो गोल ता की वजह से माय मोनस है जी. बोलें ओके सब एग्री कर रहे हैं? सब एग्री कर रहे हैं मोनस है? ये गैरत की मोनस अलाम सब एग्री कर रहे हैं? कोई कह रहे हैं इसको मुज़क्कर? सोच लें हो सकता है मुज़क्कर हो. ये मोनस है. मोनस सब कह रहे हैं मोनस है? सब कह रहे हैं मोनस है कि कोई मुज़क्कर कह रहा है इसको?
आप कहेंगे तो नहीं, मेरे कहने पे नहीं चाहिए, आपने देखनी अलामत ठीक है। मजाकर लग रहा है, आप बता दें, मजाकर ही लग रहा है। नहीं नहीं, मोनस दिख रहा है, देखें तामर बुता सकीला सकीला था। अच्छा अच्छा सकीला, हाँ सकीला था, मैं कहूँ उसका कह रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तंग कर रही थी, मैं थोड़ा तंग कर रही थी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, रिवीजन हो गई, समझ आया, बेहतर हुआ पहले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब आ जाए आगे इंशाल्लाह। चले जी आगे, हम आगे देखते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, जी कमाल को कहते हैं, मुजक्कर है मोनस है, मरीज मुजक्कर है, मुजक्कर है। आपने कैसे कह दिया मुजक्कर है, आपने क्यों नहीं मोनस कहा? क्योंकि अगर मरीज मोनस होता तो इसके गोल तारीफ नहीं, मरीज है इसकी से मोनस मरीज आएगी ना, तो ये मुजक्कर हुआ। यही पढ़ना है, ओके। ये तो आप लोगों को पता है ना, जिनको नहीं पता जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अरबी, ठीक है, उनके लिए देखें यहाँ पे क्या है। आपने जो चार्ट है मोनस का, उसमें सारा घुमा के देखा आपने, चेक वो ये किया, कहीं पे भी आपको नहीं मिला, ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई इसके हकीकी मोनस नहीं है, औरतों के नाम नहीं है, आपको कोई इलामत, शहरों के रंग भी नहीं है, हाँ आपको समाई मोनस आपने सारा देख लिया, सब खंगाल लिया, आपको कहीं पे नहीं मिला, आपको इसके कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसे हम मोनस कह सके। फिर हम क्या इसको कहेंगे, ये मुजक्कर वर्ड है, ठीक है। अच्छा अब इस वर्ड को, अब मरीज, बहुत से अस्मा ऐसे हैं जो के मुजक्कर मोनस के फर्क से मिलते हैं, ठीक है, तो उनमें से मरीज ये हो गया मुजक्कर। अब अगर कोई औरत हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कैसे उसको मोनस बनाएंगे, हमने वो देखना। अब सबसे बड़ी जो मोनस की इलामत है अरबी में वो क्या है, गोल ता, इसको हम ताए मजबूता कहें, ठीक है, तो हम इंशाल्लाह वो देखते हैं क्या करेंगे इस वर्ड के साथ। हाँ जी, हमने क्या किया, हमने गोलता आगे लगा दी, ठीक है, मरीद के आगे हम गोलता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मरीदा मरीदा, ठीक है। तो ये हालत रफा में लिखा है, किसी भी हालत में आ सकता है, किसी भी हालत में आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो हमने गोलता लगाई, क्या बन गया, मरीदा, ठीक है जी। तो ये मुजक्कर क्या था, मरीज, कोई बीमार मुजक्कर हो तो उसको मरीज कहेंगे, और अगर औरत हो तो क्या कहेंगे, मरीदा, ठीक है। चलें ओके, अब है मुस्लिम, मुस्लिम वर्ड है, इसको बनाना हमने मोनस, तो क्या हुआ, ता मजबूता लगाई, तो क्या बन जाएगा, इराब, यहाँ पे लिखा हुआ है, दमतैन है, हालत रफा लिखी है, लेकिन ये किसी में भी आ सकता है, किसी हालत में भी आ सकता है, जी ठीक है। तो आपने क्या किया, मुजक्कर वर्ड लिया, आगे आपने गोलता लगाई, और क्या हो गया, वो मुअन्नस बन गया। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि गोलता से पहले जो हर्फ है, जैसे यहाँ पे मीम है, ठीक है, मीम पे कौन सी हरकत आनी चाहिए, गोलता से पहले हरकत क्या आती है हर्फ पे, नसबर, नसब नहीं कहना, नसब, नसब नहीं कहना, ठीक है, कौन सी हरकत आती है, जबर, गोलता से पहले हमेशा जबर आती है, गोलता से पहले हमेशा क्या होती है, जबर आती है, सेम जैसे अलिफ से पहले हरकत क्या आती है, अलिफ से पहले जबर, जबर, अलिफ से पहले हमेशा जबर होगी, ठीक है, जबर, इस तरह गोलता से पहले भी हमेशा आपको जबर मिलेगी, क्लियर, क्लियर है सबको ये चीज। चलें अब हम प्रैक्टिस करते हैं जी। अब यहाँ पे आपने ये मुजक्कर दिए हुए, आपने मुअन्नस बनाने, अब ये देख लें यहाँ पे रजुल लिखा है, रजुल किसको कहते हैं, आइडिया है किसी को, मर्द, आदमी, अब आप मुझे बताएं इसका मुअन्नस क्या होगा, गौर से देखिएगा आप। चलें रजुल की मुअन्नस क्या होगी, इमरा,
और गौर कीजिए कि यहाँ पे मैंने हमजा क्या है किसके लिखा है, किसकी कुर्सी दी है, किसकी कुर्सी दी है हमजा को, किसकी कुर्सी दी है हमजा, हमारी कुर्सी। आपने इसको लाइन पे नहीं लिखना, यहाँ पे अलिफ की कुर्सी आपको देनी है। आपकी बुक में लाइन पे हमजा लिखा हुआ है, उसको चेंज कीजिएगा प्लीज, ठीक है। हमजा को यहाँ पे आपको अलिफ पे ही लिखना है। चले अगला वाला रईस, हाँ जी सॉरी अरीस, दुल्हे को कहते हैं, दुल्हन के लिए क्या होगा, अरूस, ठीक है जी। अच्छा वलद, बिंत, लड़का, बिंत, बिंत, ठीक है। ये वोकैबुलरी है, देखिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको ये वोकैबुलरी नहीं आती होगी शायद, तो ये आपकी ये वोकैबुलरी है, ये आपको वर्ड्स पे इंशाल्लाह याद अभी खुद से नहीं करा, हो जाएंगे आप लोगों को याद, ये वलद बिंत याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले मलिक, मलिक बादशाह को कहते हैं, क्या होगा इसका, मलिका, हाँ यहाँ पे तामल होता है, ठीक है। आपने क्या किया, मलिक वर्ड लिया, आपने आगे ता मजबूता लगा दी, तो क्या बन गया, उसका मौनस बन गया मलिका। और हमें पता है ता मजबूता से पहले हमेशा क्या आती है, जबर आती है। अच्छा मेरा माउस आप लोगों को दिख रहा है, मैं उसको ऐसे हिला रही हूँ, माउस पता चल रहा है आप लोगों को कि नहीं, नजर आ रहा है, हाँ। तो ये आप देखें, ता मजबूता से हमेशा क्या होगा, पहले जबर आएगी, जबर आएगा। मुअल्लिम, टीचर को कहते हैं मुअल्लिम, मजबूता लगा दिया, ठीक है जी। मुदर्रिस कौन बताएगा, जी मुदर्रिसा, ठीक है। हमने क्या किया, मुदर्रिस लिया, उसके साथ गोलता लगा दी, तो क्या बन गया, मुदर्रिसा, फीमेल टीचर, मुदर्रिस मेल टीचर, मुदर्रिसा फीमेल टीचर। तबीब, डॉक्टर, अब इसका मौनस गोलता ही है, तबीबा, तबीबा, तबीबा। मुझे बताइए मुश्किल है क्या, तबीबा, नहीं नहीं सान, बताइए मुश्किल है क्या, मुश्किल नहीं, नहीं अरबी मुश्किल है पढ़ने, ग्रामर पढ़ने मुश्किल है क्या, आसान है आपके साथ, बहुत आसान है। हाँ तो अभी क्या आप देखें, देखें क्या मैंने नहीं सुना तो आप लोग बोल रहे हैं, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या जरूरी है, अरीस के मानी है अरूसा, अरूस नहीं, अरूस दुल्हन को कहते हैं। अच्छा क्या जरूरी है जी, क्या चीज जरूरी है, आपका जमे रहना, आपका जमे रहना, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी जाके आसान होगी, वरना कोई भी देखे, मुझे खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता क्योंकि मैं कम बनाती हूँ, ठीक है। जो लोग रोज बनाते हैं, जो बहुत ज्यादा बनाते हैं, उनके लिए आसान होता है, ठीक है, यही चीज है, प्रैक्टिस है, जमे रहे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, चले और प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप लोगों ने अपनी वर्कशीट, जो ये वर्कशीट है मैं डालूंगी, आप लोगों ने खुद से करना है इसको, आप लोग चेक कीजिएगा, मुझे भी भेज दीजिएगा, ठीक है। तालिब होता है स्टूडेंट जी, शाबाश, तालिब लिया, ता मजबूता ऐड किया, क्या हो गया, मौनस हो गया। हम थोड़ा वो मुजक्कर तो बेचारे सीधे साधे होते हैं ना, हम मौनस क्या है, थोड़ा बनाओ क्या कहते हैं, बनाओ संगार करना, ठीक है। तो ता मजबूता हमारा क्या है, हमारा बनाओ संगार हो जाता है, ठीक है जी। मुहंदिस, मुहंदिसा, इंजीनियर, मेल इंजीनियर, फीमेल इंजीनियर जी। चले मोमिन, मोमिन जी, मोमिना, कुरान में भी आपके आता है ना ये ता मजबूता, फर्क देखें, मोमिन मोमिना, फिर ता मजबूता मौनस हो गया, काफिर, काफिर, मोमिन पाकीज़ा,
मोमेन का क्या मीनिंग है भाई? हेल्प मी प्लीज। मोमेन ईमान वाला, ईमान वाला। ठीक है, ओके। काफिर, काफिरा, काफिरा, ठीक है। मुस्लिम, मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम नहीं, हम जमा नहीं कर रहे, हम अभी वाहिद पे हैं, मुस्लिम। मुनाफिक, ठीक है जी। मैं जल्दी जल्दी लेके जा रही हूँ, मेरे को टाइम नहीं है। ये सबको समझ आए यहाँ तक, 14th तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चले, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चले, पहले चले, ओके, थोड़ी प्रैक्टिस। अच्छा, सादिक, 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 ठीक है। काज़िब, 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 झूठा, काज़िब मतलब क्या? काज़िब झूठा, काज़िब झूठी, ठीक है। सादिक, काज़िब का मतलब क्या है? सादिक, सादिक मतलब सच्चा, मुज़क्कर, सच्ची, ऑनस। काज़िब झूठा, काज़िबा झूठी, झूठी। बट मोस्टली इसकी प्रोनंसिएशन, इसे मतलब बोलने में कज़ाब नहीं कहते, कज़ाब वो डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है, ठीक है जी। वो इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे, वो बाद में इंशाल्लाह। अभी यही काज़िब झूठा, काज़िबा झूठी, कज़ाब बहुत झूठा हो जाता है। एक होता है ना बहुत झूठा, जो जब भी बोले झूठी बोले, उसके लिए वर्ड यूज होता है कज़ाब जी। कायम, कायम, स्टैंडिंग, कायम, जालिस, सॉरी, जालिस, जालिस, सिटिंग, सिटिंग। इसका क्या मतलब है जालिस? जालिस बैठने वाला, बैठा हुआ, बैठने वाला, बैठा हुआ, बैठने वाला, और जालिसा सिटिंग, ठीक है, मोनस के लिए आता है। इंशाल्लाह आप मीनिंग्स पे बहुत ज्यादा, ये नहीं कि याद करने हैं, नहीं, वो याद और ये सब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हो जाएंगे। और कब होंगे? जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपको। अभी तो हम सिंपल सिंपल लेके चल रहे हैं ना, मैं यहाँ पे बोझ नहीं डाल रही कि वोकैबुलरी आपको याद होनी चाहिए, कुछ नहीं, बस करते जाएं, इंशाल्लाह खुद ही होता जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा सब। जदीद मतलब नया, तो अगर मुअन्नस हो कोई चीज तो क्या होगा? कदीम, पुराना, पुरानी, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। ये तो उर्दू में भी है ना, जदीद और कदीम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने वो उन्हीं से लिया। उर्दू और अरबी के बहुत सारे लफ्ज मिलते जुलते हैं, हमने अरबी से लिए है ना अल्फाज, हमारी जुबान में अरबी के और बहुत अल्फाज है। हादिर, हादिर, गायब, आलम, जानने वाला, जानने वाली, जाहिल, नेक औरत हो तो उसके लिए सालिहा नाम भी है, ठीक है। तौलेह, सालिहा का क्या मीनिंग्स हैं उर्दू में? इसका ऑपोजिट सालेह, देखें सालेह का ऑपोजिट क्या है? तौलेह। इसका फर्क है सौद का और ता का, इविल, बैड। ये तो पायस, सालेह मतलब पायस, नेक। तौलेह आपका जो इविल, बैड, कहते हैं खराब, फासिद, इसके लिए यूज होता है, ठीक है। ऑपोजिट है सालेह का। चले, जमील खूबसूरत, और अगर जमीला तो जमीला, जमीला जी। कबीह, अगली को कहते हैं ऑपोजिट ऑफ,
कबीह क्या ऑपोजिट है जमील ऑपोजिट सूरत का ऑपोजिट बदसूरत बदसूरत हो गया अगली हो गया आप ये देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हादिर का ऑपोजिट क्या है गायब हाले सोले तोले जमील कबीह ठीक है ऑपोजिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ओके चले आगे शाबाश जाहिब शॉर्ट को कहते हैं ना कसीर शॉर्ट को कबीर बड़ा बड़ी हो तो कबीरा बड़ा बड़ी सगीर छोटा हाँ देखिए देखिए कसीर और सगीर हम उर्दू में क्या कहते हैं छोटा दोनों के लिए छोटा ठीक है हमें समझ नहीं आती आप इसको साथ में कसीर जो है शॉर्ट सगीर स्मॉल इसके मोनस क्या हो जाएगा ठीक है स्मॉल के लिए होता है मफ्तूहा जी मुगलक बंद तंग बंद बंद के लिए मुगलक बंद मुगलका मुगलका करीब करीब तैयब जी मैं जल्दी से आप लोगों को लेके गई हूँ क्योंकि ऑल टाइम ऊपर हो गया था इसलिए मैंने जल्दी किया अब आप लोगों को ये काम करना है ठीक है आप लोगों को आ गया कि ता मजबूता लगाना है लिखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी ठीक है अब आप लोगों का क्या काम है लिखने का काम है आप इसको लिखिएगा मैं वर्कशीट डाल दूंगी आज की आप उसको लिखिए खुद से कीजिए फिर आंसर्स भी होंगे आप आंसर्स चेक कीजिएगा फिर मुझे सेंड कीजिएगा ठीक है तो ये आप लोगों ने काम करना है क्योंकि खाली जुबानी नहीं काम चले तो लिखना है इसको हाथ से मतलब हाथ को आदत होनी चाहिए लिखने की सारे जी जी मैंने तो लिख लिए सारे चले ठीक है जी आप लोग वो जो बेशक जो मैं पीडीएफ भेजूंगी आप उसको प्रिंट आउट करके उसी पे आप कर लें या अपनी नोटबुक पे कर लें आपकी मर्जी और कलरफुल ठीक है कलरफुल कीजिएगा चलें जी ओके क्लास आपकी हो गई है खत्म इंशाल्लाह मैंने फिर टाइम आज 10 मिनट ऊपर लिए कोशिश बहुत की टाइम में हो जाए चले سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللہ تعالی ہم سے قبول کرے ہم نے جو وقت لگائی اور جو کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے پڑھانے میں آپ لوگوں سے پڑھنے میں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالی ہمیں پورا پورا اجر اس کا دے اللہ ہمیں آپ سے پورا پورا اجر لینا اس کا